सो हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल बादशाह व्लॉग्स। मेरा नाम है ओम इंगले और हम ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं, पर आज कल घर पर बैठे हैं। मैंने पहली बार सुना है कि लॉकडाउन खुल रहा है भाई, तो मैं बोला भाई लॉकडाउन चालू होने के पहले मैं एक स्टोरी आप सभी को बता दूँ कि भाई मैंने मेरी यूट्यूब की जर्नी क्यों स्टार्ट की और कैसे हुई वो स्टार्ट एक्चुअली, और क्या क्या किया हम लोग ने स्टार्ट करने के, और मेरे साथ कौन कौन था, कैसे हम लोग ने सब किया। तो आज की इस वीडियो में मैं सब यही बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे मेरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की, क्या हुआ पहले, क्या प्रॉब्लम्स फेस हुए, कैसे स्टार्ट की, फलाना ढिमकाना। तो पूरा वीडियो एंड तक देखो। और क्या, तो पहली चीज़ जो आती है ना भाई कि मैंने YouTube क्यों स्टार्ट किया, ठीक है। तो मैं ना बहुत टाइम से, मतलब समझो मैं जैसे टेंथ में आया ना, टेंथ इलेवेंथ के टाइम मैं YouTube बहुत देखता था, बहुत यूट्यूब के वीडियोस देखने लग गया था, एंड मेरे को बहुत अच्छा नॉलेज हो गया था कैमरे के पीछे कैसे रहता है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ये सब का थोड़ा अच्छा खासा नॉलेज हो गया था मेरे को वो वीडियोस देख के। एंड फिर सडनली मेरा एक दोस्त था, एक ब्लॉगर, वो उसने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, सो आई वॉज लाइक मैं उसकी मदद करना चाहता था कि भाई ब्रो तू ऐसे वीडियोस बना रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है, तू ये वीडियो ऐसे करके कुछ बना, कुछ अलग कर, तो तेरे वीडियोस पे व्यूज आएंगे। मैं उसको ऐसा समझाने लग गया था कि भाई तू ऐसा कर वैसा कर, एंड देन ही वॉज लाइक तुझे पता है क्या भाई, तेरे को कुछ आता है क्या, तू मेरे को क्यों बता रहा है, हाँ मेरे को मत सीखा ऐसा वैसा, वो बोलता है फिर तेरे में दम है तो तू खुद कर, करके दिखा, खुद का चैनल बना। उसने मेरे को ऐसे ही चैलेंज दे दिया था कि भाई खुद तू अपना यूट्यूब का चैनल खोल दे और फिर आके हम लोग को बता इधर क्या, हम लोग को मेरे को बता कैसे करना है। सो भाई ये बात मेरे को बहुत दिल पे लगी थी, वो उसने मेरे को चैलेंज कर दिया भाई कि भाई तू आ अपना यूट्यूब चैनल खोल के दिखा ऐसा वैसा। सो मैं बोला, मेरा एग्ज़ाम्स चल रहे थे उस टाइम, 11th की फ़ाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे मेरे, तब मैंने मेरा चैनल खोला था। तो 11th के उस टाइम फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे मेरे, तो मैंने उसको बोला भाई ठीक है रुक, मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म होने थे उसके बाद में मेरा वीडियो पक्का डाला, तो मैंने पक्का वीडियो डाला, ठीक है। तो वीडियो अपलोड हो गई हमारी, पहली वीडियो जैसे हम लोग ने अपलोड की, मतलब हम लोग ने पहले कुछ कंटेंट वंटेंट ऐसा कुछ सोचा नहीं था। तो हम लोग, मेरे दो दोस्त थे अभिषेक और मनीष, तो मतलब मैं इन दोनों को, ये लोग दोनों अभी भी सपोर्ट करते हैं यूट्यूब के लिए, एंड हम लोग, मैंने उनके साथ ही मेरा फर्स्ट वीडियो शूट किया था। मतलब हम लोग तीनों भेलपूरी खा रहे थे एक हमारे इधर स्टॉल के इधर, एंड मैंने मेरे दोस्त लोग को बोला कि भाई ऐसे ऐसे एक बंदा है, और हम लोग, मेरे को उसने ऐसा बोला कि भाई तू करके दिखा ऐसा वैसा। सो आई वॉज लाइक, तो उन लोग बोले भाई तेरे को ऐसे बोल दिए ना अभी तो अपन करेंगे। सो मतलब पर वो लोग भी डर से डर गए भाई कि क्या चैनल खोलना है, क्योंकि उन लोग को इतना कुछ पता नहीं था कि यूट्यूब के बारे में, क्योंकि वो लोग भी इतना यूट्यूब, मतलब सिर्फ यूट्यूब वीडियोज देख रहे थे पर चैनल के बारे में नहीं था। पर मैं सब रिसर्च करके बैठ चुका था कि चैनल कैसे खोलते हैं, क्या करना है, क्या क्या लगेगा। सो मैंने पहला कंटेंट चूज़ किया था फोटोशूट का, और मैंने कुछ आगे से सोचा ही नहीं था कि मैं आगे 10 वीडियोस ऐसे बनाऊंगा। मैंने सिर्फ पहले के दो वीडियोस सोच के रखे थे। हाँ, मैंने सोचा था कि मैं पहले फ़ोटोशूट का बनाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे घूम आक्षा बीच घूमूंगा, दाना पानी बीच घूमूंगा, वो मैं सबको दिखाऊंगा ऐसे घूमते हुए, और ऐसे करके मैंने चैनल खोल दिया बस यार, मतलब कुछ ना कुछ करके खोल दिया। हमने वो वीडियो शूट किया और एडिट किया, एडिट में भी बहुत मेहनत लगी थी, पता नहीं बहुत छोटी सी, मतलब बहुत ही नॉर्मल सी एडिटिंग थी, पर किया हम लोग ने वो एडिटिंग, और फिर वो एडिटिंग करने के बाद मैंने अपलोड कर दिया, और डूड अपलोड करने के बाद उस वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस मिला मेरे को, ऑलमोस्ट वो जब मैंने वीडियो अपलोड कर लिया था ना, कुछ 1000-2000 व्यूज़ चले गए थे मेरे को वही वीडियोस, वो वीडियो पे, फोटोशूट वाले वीडियो पे। आप जा सकते हो, देख सकते हो, अभी लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स वो वीडियो का। और क्या फीलिंग थी ना, मतलब भाई क्या बताऊँ। सो हमारे जो फर्स्ट वीडियो को रिस्पॉन्स के बाद हम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे, जो मेरे सारे दोस्त लोग थे ना, वो लोग सब लोग, मनीष अभी सब लोग, मतलब मेरे और भी दूसरे सारे दोस्त लोग थे, उन लोग का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा इस टाइम पे, वो लोग सब लोग एक्साइटेड हो गए थे, बोला चल भाई अपन भी इसके साथ वीडियोस बनाएंगे अभी। तो मैंने सोचा था कि मैं हर हफ्ते एक वीडियो डालूंगा कहीं घूमने जाते हुए। सो सब लोग बोले भाई चलो भाई अच्छा है, दोस्त लोग मेरे बोले कि भाई चलो हम लोग को तो घूमने मिल रहा है और ब्लॉग भी बन जाएगा, प्लस मतलब वीडियो बन रहा था। जो पहले फर्स्ट सेकेंड वीडियो था मेरा आक्षा बीच के ऊपर,
वो वीडियो भी बहुत सही वीडियो है, उसमें भी अच्छी एडिटिंग की है और बहुत मेहनत किया था उसमें। मेरे साथ कुछ ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 10 लोग थे, हम लोग सब लोग गए थे। अब वो वीडियो देखो आपको पता चलेगा। फिर वो सब लोग दोस्त सब लोग हम लोग गए, वो वीडियो पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो हम लोग सब लोग एक्साइटेड हो गए और ऐसे करके हमारी पूरी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हो गई। और भाई क्या मस्ती था। पर भाई और दोस्तों, जब सब एकदम अच्छा चल रहा था, प्लस मेरे को मेरे वीडियोज़ पे बहुत अच्छा व्यूज़ आ रहे थे, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा था लोगों का, तब क्या हुआ, मतलब व्यूज़ फिर गिरने लग गए। व्यूज़ जो कंसिस्टेंटली मेरे को 1000 के ऊपर व्यूज़ आते थे वो कम होने लग गए। मैं मेहनत तो वही करता था, वो भी मेरे साथ दोस्त लोग थे। फिर क्या हुआ, जब मैं वीडियोस पे व्यूज़ कम आने लग गए, ऑडियंस कम होने लग गई, सब्सक्राइबर्स हमारे कम हो गए, बढ़ने ही रुक गए थे एक टाइम के बाद, तो तब मेरे साथ कोई नहीं था। मतलब वो लोग सब लोग छोड़ के चले गए, भाई यार कुछ नहीं हो रहा इसका, यार चलो निकल लेते। पर थे मेरे साथ अभिषेक, फिर भी था मेरे साथ, और मनीष, इसीलिए मैं इन दोनों का नाम इस वीडियो में ले रहा हूँ। सो मतलब ये दोनों मेरे साथ है, अभी भी है, और वो लोग फिर भी मेरे को सपोर्ट करते हैं कि चल भाई जाते हैं वीडियो बनाते हैं। और एक दोस्त का नाम लेना चाहूँगा, अमित और शुभम। हम लोग सब, हम ये जो चार पाँच दोस्त लोग हैं ना, हम हर एक वीडियो में, इन लोग में से कोई ना कोई मेरे वीडियो में रहता ही है हमेशा। सो ये लोग इन लोग की वजह से हमें हमेशा वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अभी समझो मेरे को कोई वीडियो बनाने जाना है, ओ ब्रो मैं इन सबको फ़ोन करूँगा, अभिषेक ब्रो चल जाने का इधर, हाँ ब्रो चलते, कम ऑन। एक मेरे को आपको एक इंसिडेंट बताना चाहिए, जब मेरे को काला घोड़ा फेस्टिवल के ऊपर वीडियो बनाना था। सो मैं था मेरे कॉलेज में, और मेरे कॉलेज का लास्ट डे था 12th का। सो मैं, मेरा लास्ट डे सब ख़त्म हो गया था, उसके बाद फिर मेरे 12th की बोर्ड जाने वाले थे, पर उसके पहले काला घोड़ा फेस्ट था, तो मेरा कॉलेज का एंड हो गया। तो मैं कॉलेज से, मेरा कॉलेज है दहीसर में, तो दहीसर से मैं रहता हूँ कांदिवली में, तो दहीसर से कांदिवली के आने के मैंने दहीसर में सबको फ़ोन कर दिया ट्रेन में कि भाई अभिषेक अमित शुभम अपने को जाने का इधर, मैंने उन सबको फ़ोन किया था, भाई हम लोग कांदिवली स्टेशन पर मिलते हैं, उधर से डायरेक्ट जाते। सो वो लोग ने ट्राईपॉड लेके आए मेरे घर से, और हम लोग सब लोग आए पावर बैंक वावर बैंक लेके, और वो वीडियो हम लोग ने शूट किया था। मतलब सोचो ऐसे सब लोग हमारे दोस्त लोग हैं, पर मेरे को गम है कि बाकी दूसरे दोस्त लोग सब छोड़ के चले गए, पर कोई नहीं यार, चलता है, जब कभी कभी छोड़ देते हैं फिर आ भी जाते हैं, देखते हैं। पर सो गाइस एक बात और बताना चाहूँगा, मतलब कि मेरे दोस्त लोग ना कभी कभी ना बहुत नाटक करने के कि मैं, भाई मेरे को वीडियो में नहीं आने का, मेरे को वीडियो बनाने का नहीं, या फिर बोले कि भाई मैं नहीं आ रहा हूँ। और मैं हमेशा कभी कभी मैं अकेला पड़ जाता था, ऐसे टाइम भी हो गए वीडियोस में कि मैं अकेला पड़ जाता था कि कोई भी मेरे साथ है नहीं यार आने के लिए, तो मैं अकेला कैसे शूट करूँ, है ना। पर ये लॉकडाउन में एक्चुअली मैंने कितने सारे वीडियोस अपलोड कर लिए थे, कम से कम 5-6 वीडियोस मैंने अकेले ही शूट किए, अकेले ही सोचा और अकेले ही बनाया। और मैं ये चीज़ सीख गया इस लॉकडाउन की वजह से कि भाई अकेले हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सो मतलब जब भी मेरे दोस्त लोग नाटक करेंगे ना, यही लाइन में उन लोगों को बताऊँगा कि भाई देख अकेले मैंने इतने सारे वीडियोस बना चुका हूँ, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, पर नहीं यार मेरे को तुम्हारी ज़रूरत है, साथ में रहो यार तुम्हारा। मतलब मेरे दोस्त लोग थे मेरे वजह से, मैं बहुत लकी हुआ कि मेरे साथ मेरे दोस्त लोग थे, आई थिंक कि मेरे साथ मेरे दोस्त लोग एंड तक रहे, और एंड तक रहो बस, और कुछ नहीं। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे मॉम डैड कभी ऐसा नहीं बोले कि भाई मत जा, तू मत वीडियो बना, ये मुझे बस तू किधर जा रहा है, हाँ कर रहा है ना कर, अपने ऐसे ही बोले, कभी ऐसा नहीं बोले कि मत कर यार तू ऐसा कुछ। सो आई थिंक मैं लकी हूँ मेरे मॉम डैड ने मुझे करने दिया, अगर मेरे मॉम डैड नहीं करते तो मैं अब तक यूट्यूब पर नहीं होगा। सो आई थिंक मैं आगे कुछ कर सकता हूँ यूट्यूब पर, तो देखते हैं क्या होता है। सो बस इतनी छोटी सी कहानी थी मेरी, और कुछ नहीं। अभी तो अपनी YouTube की जर्नी स्टार्ट हुई है वैसे, बहुत छोटी सी जर्नी थी अपनी, अभी 1.5 साल हुई है हमें तो बस अभी तक, अभी हमें और आगे जाना है। सो आई थिंक आपको मेरी स्टोरी पसंद आई रहेगी, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और भाई प्रॉब्लम्स बहुत थे, मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि मेरे जर्नी में प्रॉब्लम्स बहुत थे, जितने पॉजिटिविटी आपको मैंने बताई उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे। सो आप ये मत सोचना कि भाई एकदम आसानी से सब हो गया, नहीं, प्रॉब्लम्स बहुत थे, हम लोग ने इसको फाइट किया, हराया उस प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम थी कि कभी कभी ना हमारे पास पैसे नहीं होते थे वीडियोज़ बनाने,
यू नो भाई, तो हमें ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती थी कि भाई जहाँ पे कम पैसे लगे और हम घूम के आए। तो तभी मैंने ना एक वीडियो बनाया था जीवदानी, 50 रुपये में मैं जीवदानी घूम के आएंगे, मैंने वो वीडियो बनाया, वो देख सकते हो। और मैंने एक और वीडियो बनाया 40 रुपये में मुंबई दर्शन, ये वीडियो भी मैंने बनाई है। मतलब ये प्रॉब्लम्स थी, मतलब हम थोड़ी ना कहाँ से पैसे लाते हैं, हम जो पॉकेट मनी थी हमारे पास हम उसमें से ही जाते थे ना, हम थोड़ी ना कोई कमाते थे। सो इसके लिए हमारे बहुत प्रॉब्लम्स थी, और भी बहुत एडिटिंग में प्रॉब्लम्स थी, मेरे पास कोई अच्छा गेयर्स नहीं था एडिटिंग के लिए। सो वही जो मेरे पास जो लैपटॉप है मोबाइल है कभी उससे एडिट करता था, पर स्टिल आई एम हियर और वीडियोस बनाने वाला हूँ। सो सब्सक्राइब कर लो, इतने आसानी से यूट्यूब को नहीं छोड़ने वाले। और एक बात, वो जो बंदा था ना जिसने मेरे को चैलेंज किया था कि भाई तू बना के दिखाना यूट्यूब वीडियोस, तो भाई हम लोग ने उसको यूट्यूब सब्सक्राइबर्स में हरा दिया। मेरे सब्सक्राइबर उससे ज़्यादा हो गए थे एक टाइम पे, बहुत ज़्यादा लिमिट हो गई थी मेरे, और व्यूज़ भी बहुत अच्छे थे, तो हमने उसके चैनल को छेड़ दिया था और हम आगे चले गए थे, और हम अभी भी आ गए।